Hello students, this is Yogesh Gupta. I am here to teach you chemistry portion of your science subject. As you everyone aware that there are 5 chapters in chemistry of your science subject. Everyone aware there are 3 portion: chemistry, physics as well as bio portion. Only chemistry portion I will teach you. Yes, again I am here to teach you only chemistry portion. So मैं आपको थोड़ा सा introduction part बता देता हूँ. There are 5 chapters we will read. First chapter is chemical reactions and equations. Second chapter is acid, bases and salt. Third chapter is metals and non-metals. Fourth chapter is carbon and its compounds. Fifth chapter is periodic classification of elements. बेटा अभी हो सकता है, मे बी पॉसिबल आपके पास बुक्स ना हो, सो आई एडवाइज यू प्लीज डाउनलोड एनसीईआरटी बुक फ्रॉम सीबीएसई वेबसाइट. प्लीज राइट डाउन वेबसाइट www.cbse.nic.in. यहाँ से जाकर आप इजीली सॉफ्ट फॉर्मेट में अपनी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं. यस, आज मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि किस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. यस, गुड, आई थिंक सबको याद आ गया. रिएक्शंस वो होते हैं जिनको हम वर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं. जैसे हाइड्रोजन को हम HYDROGEN लिखेंगे, बट इफ वी रिप्रेजेंट हाइड्रोजन एज अ सिंबॉलिक फॉर्म, यस यस, H2, सो अगर हम इसको इस टाइप से लिखें सो दैट इज अ इक्वेशन फॉर्मेट. यस, सो बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. यस, मैं सब कुछ आपको लिखाऊंगा. प्लस आज आप यहाँ पर सिर्फ ये देखें किस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में बेटा हम डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस भी पढ़ेंगे. आपके सिलेबस में, इन योर सिलेबस, देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस. फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस चैप्टर में बेटा हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ये सभी कुछ हम पढ़ने वाले हैं. आफ्टर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कोरोजन, रैंसिडिटी. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंसर्न द बोर्ड एग्जामिनेशन. आप 2019-20 के बोर्ड के पेपर में देखिएगा कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में 10-12 मार्क्स का आया था. और आया क्या क्या था, फर्स्ट चैप्टर में से बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन, ये भी मैं पढ़ाऊंगा. ओके, गॉट इट एवरीवन आई थिंक. सेकंड चैप्टर में से बेटा हम पढ़ेंगे व्हाट आर एसिड्स. सबको पता है एसिड्स कौन कौन से होते हैं. बेसिस आर व्हाट एंड सॉल्ट्स आर व्हाट. एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सेम बेसिस क्या होते हैं. कभी कभी हमें खट्टी टकर आने लगती हैं, इट मींस हमारे पेट में एसिड बनता है. सो हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम इनो पीते हैं.
ईनो इज़ वॉट? ईनो इज़ बेस, जो हमारे स्टमक में एसिड बनना है और हम बेस जब पी लेते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, इट मीन्स सॉल्ट बन जाता है। तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें, एसिड्स में एसिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। बेसिस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फाइव सॉल्ट्स में आपको पढ़ाऊँगा, इसमें हम NaCl कॉमन सॉल्ट भी पढ़ेंगे, हम वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये वाला चैप्टर तो बेटा हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था, तो ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। कार्बन, एवरी वन नो कार्बन इज बॉन्ड, द सिंबल इज सी। एटॉमिक नंबर कहाँ पर आता है, एटॉमिक नंबर इज 6 एंड द एटॉमिक मास इज, एटॉमिक मास इज 12 और इसके कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं। डायमंड, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें बॉन्डिंग्स हम पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स, हाउ टू मेक बॉन्ड्स। कार्बन में हम ये पढ़ेंगे होमोजीनियस कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। एल्कोहल, फिनॉल्स, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर बेटा पीरियडिक क्लासिफिकेशन। पीरियडिक टेबल में हम जानते ही हैं 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो उन एलिमेंट्स की हम स्टडी करेंगे, किस किस एलिमेंट का किस टाइप से बिहेवियर होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उन एलिमेंट्स का क्या बिहेवियर होता है, जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो उसका बिहेव क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब एलिमेंट्स का बिहेव क्या होता है, ठीक है। सो बेटा कल से हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बाय बाय।